सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि फ्रेश डेट वारंट जारी को, आज हुआ कि हाथ जोड़ के खड़ा हो गया तो एक दिन में सब कुछ बदल गया। पहला डेथ वारंट 22 जनवरी, दूसरा डेथ वारंट 1 फरवरी, तीसरा डेथ वारंट 3 मार्च। 16 दिसंबर 2012 को हुए निर्भया गैंगरेप केस में तीसरा डेथ वारंट जारी हो चुका। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया के दोषियों को फांसी पर लटकाने के लिए 3 मार्च को सुबह 6 बजे का समय मुकर्रर किया। आपको बता दें कि पटियाला हाउस कोर्ट की ओर से जारी किए गए नए डेथ वारंट के मुताबिक 3 मार्च की सुबह 6 बजे निर्भया के सभी गुनहगारों को फांसी दी जाएगी और अब तिहाड़ जेल प्रशासन इसके लिए एक बार फिर फांसी की तैयारियों में जुट गया है। वहाँ इस डेथ वारंट ने निर्भया के दोषियों की नींद उड़ा दी है। तिहाड़ जेल में बंद अक्षय, मुकेश, पवन और विनय की हालत खराब है। उनके चेहरे के हाव भाव तक बदल गए हैं। चारों के चेहरे पर हमेशा उदासी छाई रहती है और सभी ने अपने अपने सेल में चुप्पी साध ली है। तिहाड़ सूत्रों की माने तो इन चारों को खाने पीने तक की सुध नहीं रहती। ऐसे में तिहाड़ प्रशासन ने इन पर निगरानी बढ़ा दी है। 24 घंटे इन पर सीसीटीवी के जरिए निगरानी रखी जा रही है। मगर अब इस कहानी में एक नया मोड़ आ गया है। दरअसल निर्भया के चारों दोषियों के साथ फांसी होगी या अलग अलग, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 5 मार्च तक टाल दी। आपको बता दें कि अब इस मामले में सिर्फ दोषी पवन के पास ही 2 कानूनी विकल्प बचे, जबकि मुकेश, विनय और अक्षय के सभी कानूनी विकल्प खत्म हो चुके हैं। धीरे धीरे अब दोषियों के बचने के सभी रास्ते बंद होते दिख रहे हैं। इस केस में दोषियों के वकील एपी सिंह शुरू से ही कुछ न कुछ अड़चने डालते रहे हैं। साल 2015 में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, यदि मेरी बेटी या मेरी बहन शादी से पूर्व संबंधों को प्राथमिकता दे या शादी से पूर्व अपने चाल चरित्र चेहरे को खराब करे और अपने चरित्रहीनता पर जा रहे तो मैं ऐसी बहन और बेटी को निश्चित तौर पर अपने फार्म हाउस में खड़ा करके अपने परिवार सभी परिवार वालों के सामने पेट्रोल डाल के उसमें आग लगा देने की हिम्मत रखता हूँ, जज्बा रखता हूँ। मैं उस राजपूत राजसी परिवार से हूँ जहाँ इस तरह के चरित्र की कोई आवश्यकता नहीं।